तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आज का जो मंडे नाइट रॉ था मैडिसन स्क्वायर गार्डन का क्या वो रियली में सोल्ड आउट था, और दूसरा कि यहाँ पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का रॉ सेगमेंट किस तरह किया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वेस्ट। तो पहले यहाँ पे स्टोन कोल्ड वाले सेगमेंट से शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमें बहुत पहले से पता था कि स्टोन कोल्ड यहाँ पे आने वाले मंडे नाइट रॉ में, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था, तो लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में एक्साइटेड हो गए थे और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ गए थे कि स्टोन कोल्ड के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ बड़ा करेगी। और मैंने भी सोचा था और बहुत से लोगों ने सोचा था कि स्टोन कोल्ड के लिए बहुत बड़ा कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे करेगी, ऊपर से मैडिसन स्क्वायर गार्डन में अगर शो हो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा बेहतर करने की कोशिश होती है। लेकिन क्या हुआ, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बिल्कुल यहाँ पे स्टोन कोल्ड का शो को वेस्ट कर दिया गया डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा। यहाँ पे स्टोन कोल्ड ने सिर्फ एक स्टनर लगाया जस्ट स्टाइल्स को, और मतलब और शो के लास्ट में एक थोड़ी सी पार्टी का सीन दिखा। स्टोन कोल्ड का कोई बड़ा सेगमेंट था बिल्कुल वेस्ट था मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पे हम दूसरा सेगमेंट में अपने चले जाए तो क्या जो यहाँ पे क्राउड हम देख रहे हैं सामने वो रियली में इतना सोल्ड आउट है जितना दिख रहा है, तो देखने में तो लगता है, देखते हैं आगे क्या है। तो ये जो मैं आपको कैमरा एंगल्स दिखा रहा हूँ ये है कुछ ऐसे जगह जहाँ पे क्राउड बिल्कुल सोल्ड आउट है। रियलिटी का जो फोटोग्राफ है आपको थोड़े बाद में दिखाता हूँ, पहले आपसे कुछ बातें कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है कि जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में डब्ल्यूडब्ल्यूई शो कराती है वो बहुत बड़े बड़े शोज होते हैं, और अगर हम रियलिटी में बात करें तो वो शो बहुत ज़्यादा धांसू होते हैं। पर आज के मंडे नाइट रॉ में हमने वैसे कुछ उतना देखा नहीं, शो ज़्यादा टॉप क्लास था नहीं। और अगर आप प्रूफ की बात कर ले तो आपको यहाँ पे हम प्रूफ भी दिखा देंगे, तो लेकिन ये जान लीजिए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत बड़े बड़े शो करवाए हैं। अब जो स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे होते हैं यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में देखिए आप, बिल्कुल यहाँ पे ऑडियंस खाली है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई सिर्फ चिल्ला रही थी रॉ इज सोल्ड आउट, पर क्या सोल्ड आउट है ये आप वो सब आपने अपनी स्क्रीन पर देख ही लिया। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कितनी बात सच बोलती है कितनी झूठ बोलती है वो सब अब हम धीरे धीरे समझने लगे हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर अभी तक आपने डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ट्विटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें। तो आज के लिए।